Hey guys, this is Sanya Sheikh and welcome back to my channel Foodies Cooking Show. So, आज हम बनाने जा रहे chicken momos, वो भी एक twist के साथ. So let's get started. And अगर आपको ये video English में देखनी है तो comment and description box दोनों में link है, आप वहाँ से देख सकते हैं. तो momos बनाने से पहले हम लेंगे एक bowl, उसमें डालेंगे 1.5 cup मैदा और मैदे को अच्छी तरह से छान लेंगे. और अब मैदे में डालेंगे 3 चम्मच तेल, 1/2 teaspoon नमक और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल कर अच्छे से आटे को गूंद लेंगे. आप चाहें तो हाथ में थोड़ा सा तेल भी लगा सकते हैं आटा गूंदते टाइम, ताकि आपके हाथ में आटा चिपके ना. और अब आटे को सॉफ्ट करने के लिए हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर हम अपने आटे को लेकर हथेली से गूंदेंगे. अब आटे को किसी साफ कपड़े या ढक्कन से कवर करके 20 से 30 मिनट के लिए रख देंगे साइड में. तब तक हम बनाते हैं अपने मोमोज की स्टफिंग. उसके लिए हमने यहाँ बोनलेस चिकन लिया है, उसे हम अच्छी तरह से धो लेंगे. एंड हमारा चिकन बिल्कुल साफ़ हो गया है. अब इसे हम एक मिक्सर में डालेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे. हमने इसे ग्रिंड कर लिया है, अब इसको हम एक बाउल में डाल देंगे. फिर डालेंगे कुछ मसाले. टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 teaspoon सोया सॉस और 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर. एंड हमें फिर से मिक्सर लेना है. यहाँ पर मैं आपको अपना ट्विस्ट दिखाऊंगी. मैंने यहाँ चिकन मोमोज में कैबेज भी डाला है. ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें ना चाहे तो ना डालें. हमें इसे भी मिक्सर में डाल के ग्रिंड कर लेना है. एंड थोड़ा सा ग्रीन करने के बाद इसमें हम डालेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च. आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं. और एक बार फिर से इसे मिलाकर हम ग्रीन कर लेंगे. अब इसे हम अपने चिकन में मिला देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. हमारे डो को रखे 20 से 30 मिनट हो चुके हैं. हमारा डो बहुत अच्छा रेडी हुआ है बनकर. इसे हम फिर से थोड़ा सा गूंद लेंगे. और अब एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे. आप चाहे तो अपने हाथ में तेल भी लगा सकते हैं. और अब आपको जिस भी साइज़ के मोमोज बनाने हैं उस साइज़ के कटर लेके हम रोटी को काट लेंगे. और इसी तरह से हम सारे आटे की रोटी बनाकर उसे कट करके रख लेंगे. सारे मोमोज के कवर बनकर रेडी है. एंड हमारे मोमोज के कवर पतले होने चाहिए, बट बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा पतला होगा तो ये फट जाएगा.
तो मैं यहाँ अपने मोमोज़ की स्टफिंग राइट डाल ली हूँ। अगर आपको कुक करना है तो एक पैन में तेल डालिए, फिर अपने मोमोज़ की स्टफिंग डालकर उसे थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए, फिर आप उसके मोमोज़ बना सकते हैं। एंड मोमोज़ की डिज़ाइन बनाने के लिए पहले हम साइड साइड में लगा देंगे थोड़ा सा पानी, हल्का सा लगाना है, ज़्यादा नहीं, और फिर कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसी तरह से हमें सारे मोमोज बना लेने हैं। अब इसे कुक करने के लिए हम यहाँ पर लेंगे एक बड़ी सी पतीली, या आप पॉट भी ले सकते हैं, और फिर उसमें डाल देंगे ढेर सारा पानी। बट पानी हमें इतना ही डालना है कि ऊपर जो हम छन्नी रखे उसमें वो टच ना हो। फिर छन्नी को हम तेल से ग्रीस कर लेंगे, बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं लगाना है हमें। और अब छन्नी को ऊपर से रख के ऊपर से कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम पानी को खूब अच्छी तरह से पकने देंगे। पानी पक जाने के बाद उसमें हम डाल देंगे अपने सारे मोमोज और फिर से ऊपर से कवर कर देंगे। बट हमें थोड़ा सा खुला रखना है ढक्कन, ताकि पानी भाप बनकर मोमोज के ऊपर ना गिरे। एंड हमें इसे लो फ्लेम पर कुक करना है 7 मिनट के लिए। 7 मिनट बाद मेरे मोमोज बनकर रेडी हैं। हो सकता है आपके 2-4 मिनट पहले कुक हो जाए या फिर 2-4 मिनट बाद, तो आप उसे बीच में खोलकर एक दो बार चेक कर लीजिएगा। अब इसे हम सारे निकाल लेंगे और फिर से थोड़ा सा ऑयल ग्रेस कर लेंगे चने में और अपने बाकी के मोमोज को भी कुक कर लेंगे। हमारे डिलीशियस चिकन मोमोज बनकर रेडी हैं, इसे हम प्लेट कर लेंगे। और सॉस में मैं यहाँ टोमेटो और ग्रीन चिली सॉस ले रही हूँ। अगर आपके पास शेजवान चटनी है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आप इसे किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। लो एंड हमारे चिकन मोमोज डिलीशियस से बनकर रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी हुआ था। सो ही गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो सो गिव मी अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम ट्राइंग टू पोस्ट न्यू वीडियो एवरी वीक। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।